करते हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इनामी बदमाश काला जठेड़ी को धर दबोचा है। काला जठेड़ी के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। काला जठेड़ी के साथ पकड़ी गई महिला अनुराग उर्फ अनुराधा उर्फ मैडम मंची बताई जा रही है। अनुराधा राजस्थान की एक कुख्यात महिला है जिसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था। अनुराधा पर राजस्थान में 10,000 का इनाम घोषित है। काला जठेड़ी अनुराधा के साथ उत्तराखंड में छिपा हुआ था। उत्तराखंड से जब वो सहारनपुर आया तो वहां से पकड़ा गया। उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। गौरतलब है कि पहलवान सागर हत्याकांड में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद काला जठेड़ा का नाम अचानक चर्चा में आ गया था। आपको बता दें कि अब पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है और कुख्यात अपराधी काला जठेड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ऐसे में काला जठेड़ा के साथ रह रही एक महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जानकारी के मुताबिक ये महिला जठेड़ा की गर्लफ्रेंड है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लेडी डॉन अनुराधा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी के सहारनपुर से जठेड़ी को गिरफ्तार किया गया है। काला जठेड़ी कई दिन से लापता था और ऐसे में पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने काला जठेड़ी और उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया। इंटेलिजेंस यूनिट ने एक बड़े ऑपरेशन में वॉन्टेड क्रिमिनल संदीप एलियस काला जठेड़ी और उसकी सहयोगिनी अनदर वांटेड क्रिमिनल अनुराधा, जिसको राजस्थान में लेडी डॉन के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों को कल सहारनपुर के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम का नेतृत्व एसीपी राहुल विक्रम, इंस्पेक्टर विक्रम दहिया और इंस्पेक्टर संदीप डबास कर रहे थे। ये एक महत्वपूर्ण कामयाबी इसलिए मानी जाती है क्योंकि पिछले लगभग सवा साल से दिल्ली एनसीआर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और हरियाणा, इन चार पांच प्रदेशों में इस गैंग ने काफ़ी आतंक मचा रखा था। इसके ऊपर 6 लाख रुपए का क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड घोषित है। जो उसकी साथी पकड़ी गई है अनुराधा, उसके ऊपर राजस्थान पुलिस से रिवॉर्ड घोषित है। और ये कार्रवाई, ये ऑपरेशन अगर मैं कहूँ तो लगभग 6 महीने का बहुत कंसिस्टेंट ऑपरेशन था। 6 महीने से तमाम राज्यों की पुलिस, स्पेशली दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की कई सारी यूनिटें इस बदमाश को पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही थी। इसमें हमें कल कामयाबी मिली है। इस ऑपरेशन का थोड़ा सा ब्रीफ मैं अगर आपको दे दूं, जैसे हर ऑपरेशन में आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो इस ऑपरेशन में हमको और हमारी टीम को बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत डिफरेंट किस्म का ऑपरेशन था। इसका अंदाज़ा आपको इससे हो सकता है कि हमारी लगभग 30 ऑफिसर एंड मैन पिछले 15 दिन से लगातार